कमाल का केटर है भाई साहब। हाँ भाई, और शादी का सीजन है, उसे हम एडवांस में बुक कर लेते हैं। लेकिन शादी की तारीख तो पहले पक्की हो जाए। दीदी, पंडित से पूछे बिना शादी की तारीख? हाँ भाभी, पंडित जी से तो पूछ ही लेंगे, लेकिन चौबे केटरर को बोल के रखना अच्छा है, नहीं तो अगर किसी और ने बुकिंग कर ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक काम करते, सारे कामों की ना एक लिस्ट बना लेते ताकि कोई काम रह ना जाए। ये लोग यहाँ शादी की तैयारियां कर रहे हैं पर वहां चारों मुझे डाइवोर्स देने को राजी नहीं, क्या कहूं इन सबसे? मयंक बेटा, आ गए तुम? अरे तो क्या हुआ? डाइवोर्स फाइल करके आ गया, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। गुड, मतलब सब ऑन ट्रैक है जी। चलो जल्दी ये काम भी निपट जाए। अगर चारू टस से मस्त नहीं हुई तो, अगर उसने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया तो कुंचन और मैं, ओ गॉड, ये खुशियां शर्तों के साथ क्यों आती हैं? You can't fool me. कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है। Nothing, बस वैसे ही थोड़ा सा थका हुआ। पता है, तुम ना मेरे दिल में रहते और मैं एक हिडन कैमरा की तरह तुम्हारे मन में, दिल में क्या चल रहा है सब देख सकती हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता। So tell me, चारू ने डिवोर्स देने से मना कर दिया ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? अभी तो कहा तुम मेरे दिल में रहते हो। So come on now, tell me, क्या हुआ? चारू जेल में रहने को तैयार है लेकिन डिवोर्स पेपर पे साइन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। It's okay. कब तक ऐसे ही रहेगी? कभी ना कभी तो मानना पड़ेगा ना। एंड जब भगवान भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सके तो फिर ये काम तो होकर ही रहेगा। हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे मयंक। बस कुछ चीजें भगवान पर छोड़ दो और तब तक हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। You know something? जब तुम मेरे पास होती हो ना तो सारी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, ये सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम मेरे पास नहीं होती ना तब सभी सुख, चैन, सारी खुशियां, इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ इसीलिए खबर था अगर कभी भी तुम मुझे छोड़ के गई तो हमेशा
इसी तरह मेरे पास रहना। नो, इतने पास हम तभी आएंगे जब मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो गए हो। अच्छा, मुझे जाना होगा इससे पहले कि कोई हमें यहां देख ले। ओके, बाय। माया, जितना इंतजार तुम्हें है ना, उतना ही इंतजार मुझे भी है। मेरा दिल कहता है वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हो सकता है कल ही हो। कल तुम्हारी कोर्ट में हियरिंग है ना। गुड लक, चलो मैं जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत आओ, पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, आई लव यू। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये देखिए भाई साहब, देखे देखे से। अभी अभी अस्पताल से आई हो बेटा? यहां आजा आजा बेटा, कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ पापा? अरे हुआ नहीं, होने वाला है, द इवेंट ऑफ माय लाइफ, जिसके लिए ये सब कार्ड छपाने होंगे, केटरिंग वगैरह वगैरह, शॉपिंग, वेडिंग कार्ड सैंपल्स। और कल जैसे ही मयंक का डाइवोर्स फाइनलाइज होता है ना, तो हम पंडित जी को बुलाकर तारीख तय करके ये सब दे देंगे प्रिंट के लिए। पापा, कार्ड्स तो जल्दी छप जाते हैं। आई मीन अंडरस्टैंड ना, मयंक का अभी तक डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। आई नो दैट बेटा, लेकिन मयंक ने डाइवोर्स पेपर्स फाइल कर दिया है। और नहीं तो क्या, आज वो चारों से मिलने भी गया था। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताता। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, वक्त निकलते देर नहीं लगती, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, है ना बेटा? यस बेटा, कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ बताइए। अजी वाला कैसा? ओह बहुत सुंदर है। नहीं दे रहा हमें महेंद्र जी को डिवोर्स, हमें जेल में रहना मंजूर है, और महेंद्र जी को तलाक ने वो। प्लीज प्लीज जरा धीरे बोलिए, और एक बात समझ लीजिए, मयंक का केस आपके केस से ज्यादा स्ट्रांग, आप ज्यादा दिन तक डिवोर्स की बात टाल नहीं सकते। समझदारी इसी में है कि अगर वो डिवोर्स के बदले केस वापस लेने की बात कह रहा है तो मान जाइए, नहीं तो क्या, कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है आपको। देखो झाड़ू, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी इस शादी में रखा ही क्या है, मैं तो कहता हूँ भूल जाओ मयंक को, पीछा छुड़ाओ उससे अपना, और आगे सोचो। नहीं बढ़ना हमें आगे, ना ही मयंक जी को डिवोर्स देना है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि हम भी क्या गुजर रही है, कितनी बेइज्जती, कितनी बदनामी हुई है हमारी। 10 साल लगे या 100 साल, हम मयंक जी को डिवोर्स कभी नहीं देंगे, नेवर। तो
क्या पूरी जिंदगी जेल में सड़ना है? नहीं, हम क्यों जेल में सड़ेंगे? पापा, अगर आप हमारी खुशी चाहते हैं तो हमें इस नाइट से बाहर निकालिए और ये डिवोर्स मत होने दीजिए। मम्मी, आप समझाइए ना पापा को कि जिस नर्क से हम गुजर रहे हैं उसी नर्क से भाई हम जी भी गुजरे। बड़ा प्रिटी प्रिटी स्वीटी स्वीटी सा लग रहा है। किसी स्पेशल से मिलने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा मान गई क्या? अब हम क्यों भला बुरा मानने लगे? हमारा मतलब है कि हम क्यों विहान के लिए सजे धजे? रचना, मैंने तो किसी विहान का नाम ही नहीं लिया। छोड़ो ना गुंजन, जाने दो। वैसे भी कॉलेज के लिए बहुत देर हो चुकी है, छाया भी नहीं आई, अब अकेले जाना पड़ेगा। हम चलते हैं। बाय बाय। एंड रचना, रिहान को मेरा हाय जरूर कहना, ओके? चुप रहो तुम। भैया के कोट इयररिंग के लिए नर्वस तो नहीं होना? होना भी मत, क्योंकि हमारा दिल कहता है कि चारू मान जाएगी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हम चलते हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मॉर्निंग मैडम। ड्राइवर हाजिर है मैडम, प्लीज बैठिए। विहान, प्लीज, यहाँ कोई बकवास नहीं, हमारा घर यही आसपास है और अगर किसने हमें तुम्हारे साथ देख लिया ना तो गए काम से। इसका मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हें अब तक? हम अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम जाओगे काम से। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह ना तो आओ पीछे बैठो और मैंने बाइक की शोभा बढ़ाऊं ताकि हम अपने उड़न कटोले पे बैठ कर खोर हो जाए। विहान, ये ओबसमेंट बनने का टाइम नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसी चलती रही ना तो कॉलेज बंद होने तक तो पहुंच ही जाओ। तुमसे मतलब? बस तुम यहां से चले जाओ। सब लोग हमें देख रहे हैं, जाओ ना प्लीज। अरे, देख रहे हैं तो देखने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि बेचारा लड़का कितना स्वीट है, इस लड़की से कितना प्यार करता जो उसके पीछे 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 चले आ रहा। अच्छा बाबा, प्लीज बैठ जाओ प्लीज। विहान, एक बात हमारे कान खोल के सुन लो, हम आखिरी बार तुम्हारी बाइक पे बैठ रहे हैं, समझे? एकदम लास्ट टाइम। हाँ हाँ, लास्ट टाइम। चलो 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 चलो। विहान, हम चलते चलो, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, चलते चलते। विहान, जल्दी चलो ना। मैंग बेटा,
घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और कोई बात है बेटा, बोलो ना। आई एम सॉरी ताई जी, कल मैंने आपसे तलाक वाली बात के लिए झूठ बोला था। जानते हो, गुंजन ने हमें सब बता दिया था। लड़ने दो उसे, मना करने दो, हमारे पास भी उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। आज नहीं तो कल तलाक मिलकर ही रहेगा, नहीं? मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूं, अगर तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो तो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मयंक गर्ग, आपने डिवोर्स के लिए पेपर्स फाइल किए, लेकिन अदालत सबसे पहले यह जानना चाहती है कि क्या आप दोनों सुलह करना चाहते हैं? नहीं जज साहब, बिल्कुल नहीं। जिस औरत ने साथ रहने की हर तमीज, शराफत, तरीके पार कर दिया, उसके साथ मैं तो क्या, मेरा दुश्मन भी नहीं रह सकता। और इसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी परेशान किया। हर बात पे झूठ, फरेब, यहां तक कि मेरी बहन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ सब बर्बाद कर दी। यहां तक कि मेरी नौकरी भी चली गई और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद मुझे और कहीं नौकरी भी नहीं मिली। ऐसे में कोई भी समझौता या सुलह मैं नहीं कर पाऊंगा। चारू गर्ग, क्या आप मयंक को तलाक देना चाहती है या फिर सुलह का रास्ता अपनाना चाहती है? सबसे पहले हम इन सारे बेबुनियादी इल्जामों को नहीं कबूलते। मान लीजिए अगर हमने कोई गुनाह किया भी तो हम उसकी सजा भुगत तो रहे हैं। शादी, पति और एक गृहस्थी, ये सब एक लड़की का कहना होता है। हम सबसे पूछते कि कौन सी लड़की अपनी गृहस्थी खुद बिगाड़ना चाहेगी, ये सब छोड़ना चाहेगी। तो क्या आप मयंक गर्ग से तलाक लेना नहीं चाहती? लेकिन हमारा दिल हमारा साथ नहीं दे रहा। एक औरत का दिल जितना नरम होता उतना सख्त भी होता, और हम जानते हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमें अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। एक पत्नी का हक कभी नहीं मिलेगा। तो फिर इस शादी में रहने का क्या फायदा? इसीलिए जैसा हम मयंकर को तलाक देने के लिए तैयार, तलाक देने के लिए तैयार, तलाक देने के लिए तैयार। हम भी मयंक जी के साथ नहीं रह सकते।